नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनडी क्रिएटिव टेक्निक्स में। मैं हूं अनिल और आज इलस्ट्रेटर के टूल सीरीज के 6 एपिसोड में आज आप सीखने वाले हो ब्रश टूल और ब्रश पैनल के बारे में और भी कई सारी बातें ब्रश टूल से रिलेटेड इस एपिसोड में सीखने वाले हो। हो सकता है ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि ब्रश टूल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो आप कई सारे डिजाइन वेक्टर इजीली बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल का हॉटकी है बी। यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करते हो तो देखिए ये सारा ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये दो ब्रशेस है, हम आज ये दो ब्रशेस सीखने वाले, पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल। तो मैं इसे बाहर पॉपअप कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉपअप कर लिया। तो ये है ब्रश। अब मैं आपको फर्स्ट इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ ताकि ये स्मूथली वर्क करे। आप जैसे आपको सेटिंग करना है आप सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सेटिंग है, तो ये ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये सारे सेटिंग्स हैं, मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ रीसेट। तो जो ये अब आप जब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये सारे आपको सेटिंग दिखाई देंगे। तो ये फिडिलिटी है। अब यहाँ पे ये जो सेटिंग दिया हुआ है इसमें स्मूथ है और एक्यूरेट है। जब आप ब्रश यूज़ करते हो तो मैं ये आपको दोनों सेटिंग फर्स्ट बता देता हूँ। तो मैं एक्यूरेट में रखता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये जो लाइंस है आप देख रहे हैं ये एकदम स्मूथ नहीं है, कहीं पे आड़े टेढ़े है, मतलब थोड़ा सा बेंड नज़र आ रहा है कहीं पे, एकदम स्मूथ लाइन नहीं आ रहा है। वही अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्मूथ करता हूँ, ओके करते हैं, तो हम देखिए अभी यहाँ पे, तो देखिए ये लाइन कितना स्मूथ आ रहा है। इस तरीके से ये टूल के सेटिंग्स वर्क करते हैं। और भी टूल्स की सेटिंग करना पड़ेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी सेटिंग्स के बारे में। तो ये फील न्यू ब्रश स्ट्रोक है। अगर ये फील करेंगे, अगर हमारे यहाँ पे कोई कलर फील होगा, आपके फील बॉक्स में कोई कलर फील होगा और इसे हम ऑन करते हैं तो वो कलर यहाँ पे दिखाई देगा। पर ये मेजरली कोई यूज़ करता नहीं क्योंकि हम स्ट्रोक से ही काम करते हैं। तो देखिए फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको इसे। और ये कीप सिलेक्टेड ऑप्शन इसलिए है कि आप कोई भी ड्रॉ करें तो वो सिलेक्टेड ही रहे। अभी जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं था, तो वैसे अब मैं यहाँ पे कीप सिलेक्टेड करता हूँ तो देखिए ओके करते हैं। अब मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ फील मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, कलर में फील कर देते कुछ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने कुछ ड्रॉ किया तो ये ऐसे कलर फील दिखाएगा, पर ये हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा, काम करने में तकलीफ होता है इससे। तो इजीली आप स्ट्रोक से ही वर्क कीजिए। मैं वापस क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब ये सेटिंग्स और चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमने ड्रॉ किया था वो सिलेक्टेड ही है अभी, ओके करता हूँ मैं इसे क्लिक। अब यहाँ पे ऑलरेडी एडिट सिलेक्टेड पार्ट ठीक है तो इसे ऑन ही रखेंगे क्योंकि हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो उसे एडिट कर सके। देखिए और ये विद इन जो पिक्सल दिखा रहा है 12 पिक्सल, आपके जो ये लाइन मैंने अभी जो ड्रॉ की है उसमें टोटल 12 पिक्सल, मतलब मेजरली जितना होगा मैक्स टू मैक्स 12 पिक्सल ही रखेगा वो, और मिनिमम टू मिनिमम लाइन के लेंथ पे दिखाई देगा कि कितना होगा। अगर आप मैक्सिमम बड़ा अगर कोई लाइन क्रिएट करते हो उसमें 12 पिक्सल ही दिखाएगा। तो मैं ओके करता हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए फील भी निकल गया और इसे हम फिर से कंटिन्यूली एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम इसे अगर कंट्रोल प्रेस करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर इसे वापस कंटिन्यू में कर सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करके वापस कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए ऐसे कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पे
डबल क्लिक करता हूँ, ये कीप सिलेक्टेड रखे भी ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ के ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे मैंने ऐसे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और भी कंटिन्यू करना है मुझे। तो ऐसे कंटिन्यू कर करके आप मेजरली शेप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें कोई ऑप्शन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, बट डायरेक्टली ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं रखते हो, कीप सिलेक्टेड, तो आप एडिट सिलेक्ट पाथ में ही एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बता दिया, पहले मैं ऑल सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं एक शेप क्रिएट करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैंने सिलेक्टेड नहीं है, पर यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये ब्लू लाइन। तो इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं वापस इसे कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे ये सेटिंग्स वर्क करते हैं। अभी मैं इसे भी डिलीट कर लेता हूँ, ओके डिलीट, और इसे हम मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ फर्स्ट, ऐसे ही समथिंग कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा ब्रश पैनल। तो यहाँ पे अगर ये जो ये भी डिफॉल्ट एक पाथ दिखा रहा है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अगर इस पर कोई ब्रश इफेक्ट देना हो या ब्रश इफेक्ट सिलेक्ट करके देना हो या इसे ब्रश इस ब्रश को ही ब्रश इफेक्ट जैसा क्रिएट करना हो, तो हमें ब्रश पैनल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ब्रश पैनल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये सारे ब्रशेस हैं यहाँ पे। अगर ये ब्रश पैनल आपके पैनल बोर्ड में नहीं हो, तो आप यहाँ पे विंडोज़ में जाके ब्रशेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका हॉटकी है F5, F5 प्रेस करोगे तो ये ब्रशेस का पैनल आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सारे ब्रशेस है ऑलरेडी यहाँ पे। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखिए ये सारे ब्रशेस ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पे। ये कैलीग्राफी है, ये स्कैटर है, ये आर्ट ब्रश है। स्कैटर इसलिए प्लेन है क्योंकि इसमें हमें कुछ क्रिएट करके ऐड करना होता है। यहाँ पे कुछ अलग सा ब्रश दिया हुआ है जो आर्ट ब्रश है, और यहाँ पे ब्रिस्टल ब्रश है, ये है पैटर्न ब्रश। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शंस ब्रशेस दिए हुए हैं। तो इसमें सेव ब्रश का ऑप्शन भी है और कई सारे डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे ये एरो पैटर्न, ये सारे बहुत सारे कैलीग्राफी के लिए अलग से आर्टिस्ट के लिए दिया हुआ है, ये चाकोल पेंसिल के लिए दिया हुआ है, इंक के लिए दिया हुआ, पेंट ब्रश। तो ये सारे ब्रशेस हैं, आप डिफॉल्टली यूज़ कर सकते हो और आपके खुद के ब्रश भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको फर्स्ट तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ब्रश रेडीमेड है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कैलीग्राफी में एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कैलीग्राफी में आपको ये ब्रशेस का ऑप्शन दिया है। तो इतने सारे ब्रशेस कैलीग्राफी में है, तो हम भी कोई एक ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं मेजरली 15 पॉइंट फ्लैट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रश सिलेक्ट करते ही ये भी ब्रश उस कैलीग्राफी के ब्रश के हिसाब से उसने अपना शेप क्रिएट कर लिया। तो अब यहाँ पे इसे डबल क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऐसे सेटिंग दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम इसे एडिट कर सकते हैं, बाकी सब जैसे आपको सेटिंग करना है उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। ये फिक्स करना है, ये डिफॉल्ट ऐसे ही रखना है, तो जिस हिसाब से आपको सेटिंग रखना है उस हिसाब से आप सेटिंग रख सकते हो। मैंने अभी ये थोड़ी सेटिंग चेंज की, ओके किया, तो देखिए ये अपना स्ट्रोक दिखा रहा है और ये सेटिंग्स में थोड़ा सा ब्रश चेंज हो गया होगा। अभी मैं ये तो ब्रश रेडीमेड इफेक्ट का दिखाया, मैं खुद कैसे ब्रश क्रिएट करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए इसे क्लोज करता हूँ मैं। अब हम क्रिएट करते हैं एक न्यू ब्रश। तो यहाँ पे एक जाते हैं और ये न्यू ब्रश का जो साइन है इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 ब्रशेस ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे रेड करके आपको बता दिया था। और यहाँ पे जो 3 ब्रश है जो विजिबल है और 2 ब्रश है तो एक्टिव नहीं दिखा रहा है।
तो अभी यहाँ पे जैसे ही हमें कैलीग्राफी से स्टार्ट करते हैं, इन दो के बारे में मैं भी आपको कंटिन्यूली दिखा दूंगा। तो जैसे यहाँ पे ओके करता हूँ मैं इसे, तो ये कैलीग्राफी ब्रश क्रिएट करने के लिए मुझे सेटिंग्स देगा। तो देखिए ये सेटिंग्स दे रहे हैं ऐसे। तो अभी ये नया ब्रश क्रिएट करने के लिए मेरे को ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे न्यू के लिए एक नया नाम दे के क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एंडी न्यू ब्रश करके मैंने एक ब्रश का नेम दे दिया। अब यहाँ पे ये सेटिंग्स है, तो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ये राउंड सर्कल, अभी तो ये ब्रश राउंड है और यहाँ पे सेटिंग्स भी है यहाँ पे। तो मैं इसे आपको एक एक समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है ये अपना ब्रश का निब है। तो ये एरो दिखा रहा है वो आपका पॉइंटर है, और ये ब्रश का निब कैसे वर्क करेगा वो है। तो अब दिखाता हूँ मैं ये ब्रश को किस एंगल में कैसे क्रिएट करते। तो देखिए ये एंगल है फर्स्ट, राउंड और साइज है। तो फर्स्ट एंगल जो है वो मुझे मेजरली कैलीग्राफी में 35 टू 45 या 50 तक आप कैलीग्राफी क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए मेजरली मैं अभी यहाँ पे जिस हिसाब से ये रोटेट करूँ तो ये रोटेट हो रहा है यहाँ से, और आप यहाँ से भी रोटेट करके एडजस्ट सेटिंग कर सकते हो। तो मैं अभी 41 रखता हूँ उस हिसाब से। ये राउंडनेस है, अब ये राउंडनेस को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए उसी तरह से आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितना पतला रखना है और कितना ठीक रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कम से कम मतलब थोड़ा सा कम ही रखूँगा। उसी हिसाब से आप यहाँ पे साइज भी इंक्रीज या ज़्यादा या बड़ा रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इतना साइज है यहाँ पे, देखिए ये सेटिंग्स है। तो यहाँ पे मैं अभी एक इतना बड़ा ब्रश क्रिएट करके आपको बता देता हूँ, और इन सारे ऑप्शन के बारे में मैं ब्रश क्रिएट करने के बाद आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे ओके करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे बी ब्रश करता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक देखिए मैंने ऐसे कुछ क्रिएट कर लिया। तो ये ऐसे पतला होके यहाँ से थिकनेस ऐसा होके दिखा रहा है यहाँ पे। इसी हिसाब से अगर इसे मुझे एडिट करना तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन भी आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ तो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये ब्रशेज के सेटिंग्स है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये फिक्स है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे रैंडम करते हैं, और यहाँ पे ये जो वेरिएशन है उस वेरिएशन की सेटिंग से हम इस ब्रश को हैंडल करेंगे। तो देखिए ये ब्रश की सेटिंग भी चेंज हो रही है, उस हिसाब से ये जितना ब्रश का सेटिंग होगा वैसे ये क्रिएट करेगा। और ये फिलहाल अभी हम ऐसे ही रखते हैं 0। और ये जो है यहाँ पे प्रेशर, ये प्रेशर है, अगर आप पेन टैब यूज़ कर रहे हो तो ये सेटिंग काम आती है। जैसे आपका जितना पेन टैब का जो पेन का प्रेशर होगा उस हिसाब से आप ये ब्रश को हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए अभी मेरा जो ब्रश का प्रेशर होगा उस हिसाब से ये बताएगा कि वेरिएशन कितना है या नहीं। देखिए मेरा ब्रश का प्रेशर इक्वली है, तो ये वैसे ही दिखा रहा है, तो इसे फिक्स ही रखता हूँ मैं फिलहाल। और ये रैंडम, ये राउंडनेस है जो उसे रैंडम करता हूँ मैं, तो ये रैंडम में भी वेरिएशन अगर आप देते हो तो देखिए इसमें भी यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से कम से ज़्यादा दिखा रहा है। इसे मैं वेरिएशन फुल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये राउंड दिखा रहा है। तो ये ऐसे वर्क करता है, उसी हिसाब से ये प्रेशर में भी सेटिंग में ऐसे ही वर्क करता है। जैसे आपको वेरिएशन देना है, वेरिएशन परसेंटेज दिखाता है ये कितना ब्रश का आपके पेन टैप का पेन का कितना प्रेशर है, उस हिसाब से ये दिखाता है। तो देखिए अभी इसे हम फिक्स ही रखते हैं। ये जो साइज है इसे मैं बताता हूँ आपको, रैंडम रखते हैं और इसे वेरिएशन में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कम से ज़्यादा दिखा रहा है, ये जो साइज है जितना आपका ब्रश का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो इतना थिक दिखाएगा, और जितना ब्रश का प्रेशर कम होगा वो इतना कम दिखाएगा। और यहाँ पे ये देखिए प्रेशर ऑन कर देता हूँ या तो रैंडम रखते हैं, दोनों पेन टैब में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ओके करता हूँ मैं, अप्लाई स्ट्रोक। तो अभी यहाँ पे इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बी प्रेस करके और एक क्रिएट कर लेता हूँ कुछ।
ठीक है, मेरा पेन का प्रेशर यहाँ पे कम था और अभी यहाँ पे करते करते मेरा यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो गया और यहाँ से फिर से कम हो गया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये ऐसे काम करता है। ये तो हो गया कैलीग्राफी ब्रश के बारे में। आप ये सारे सेटिंग एक बार ट्राई करके चेक कीजिए और अच्छी तरह आपके ब्रश को क्रिएट कीजिए और अच्छी तरह आप नए नए कैलीग्राफीज क्रिएट करते रहिए। ओके कर देते हैं। तो ये जो अभी यहाँ पे जितने भी ब्रश अभी सिलेक्टेड नहीं है तो भी यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए सारे अप्लाई हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रश पे। तो नेक्स्ट ब्रश के लिए हमें कुछ क्रिएट करना होगा। तो मैं फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो अभी मैं एक फ्लावर समथिंग ऐसे कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए ये फ्लावर क्रिएट हो गया। अब ये फ्लावर को हम ब्रश में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम ब्रश पैनल में जाते हैं, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस ब्रश को जो क्रिएट किया है हमने। अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे दिख रहा है ये दो ऑप्शन एक्टिव हो गए और ये दो ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गए। तो वैसे ही अब यहाँ पे स्कैटर को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे सेटिंग्स है, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है, तो मैं कुछ भी चेंज करूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ये ब्रश ऐड हो गया। तो ये स्कैटर ब्रश ऐड हो गया स्कैटर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बी प्रेस करके ब्रश से, ब्रश टूल से यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए ये ब्रश ऐसे क्रिएट हो गया। उसी हिसाब से यहाँ पे आप सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, स्कैटर ब्रश ऑप्शन ओपन हो गया। तो यहाँ पे भी जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, इसे मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ। ये यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं फ्लावर दे देता हूँ, फ्लावर वन दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने फ्लावर ऐसे ही रैंडमली दिया हुआ। अब यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स है ब्रश के। तो अब इन सारे चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हो कि किस किस तरह से वर्क करता है। मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जैसे कि ये साइज है, अब इस ब्रश का जो मैंने एज इट इज क्रिएट किया हुआ है, तो ये जो डिफॉल्ट मेरा ये साइज जो था वो उसी साइज के हिसाब से ले रहा है। यहाँ पे ये डिफॉल्ट साइज है, ये सेंटर में है तो ये जो साइज है वो डिफॉल्ट है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको फिक्स्ड में ही थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, तो देखिए ये ब्रश फ्लावर सारे छोटे हो गए। और वैसे ही मैं इसको इस तरफ करता हूँ तो देखिए ब्रश बहुत बड़ा हो गया। तो वैसे मैं इसे सेंटर में रखता हूँ। यहाँ पे और मैं इसे फिक्स से लेके रैंडम में चेंज करता हूँ। तो देखिए ये रैंडम में मैं अभी इसे छोटा करता हूँ तो कुछ फ्लावर्स छोटे हो गए और कुछ फ्लावर्स बड़े ही रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सेटिंग दिया रैंडम में, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर छोटे कर दिए। अभी देखिए यहाँ से मैं जब अगर सेटिंग करता हूँ इसी तरफ, तो देखिए ये जो बड़े फ्लावर्स थे ना वो भी थोड़े छोटे होने लगे। तो इस तरह से सेटिंग्स चेंज होते हैं। तो ये दोनों को हैंडल करके आपको देखना है आपको किस तरह से रखना है फ्लावर्स, या कोई भी स्कैटर ब्रश आप क्रिएट कर रहे हो उसे आप ट्राई करके देख लीजिए कैसे रखना है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने इस प्रेशर को रख दिया, पेन प्रेशर। अगर आप पेन टैप यूज़ करते हो तो ये प्रेशर जो है वो काम में आता है। जैसे कि आपका पेन टैप का, पेन का प्रेशर जितना होगा उस हिसाब से ये फ्लावर का थिकनेस भी उतना होगा। तो अब मेरा तो नॉर्मली डिफॉल्ट था, पर मैं पेन टैप यूज़ करता हूँ तो मैं एक बार ओके करके आपको बता देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पेन का प्रेशर कम था, उसी हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो मैं अंडू कर लेता हूँ, फिर इसे वापस क्लिक करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे अभी बाकी के सारे सेटिंग्स है, स्पेसिंग है, स्कैटर है, रोटेशन है। तो जैसे ये स्पेसिंग है ये भी फिक्स है अभी, तो अभी मैं जैसे भी मूव करूँ तो ये उसी तरह से सब इक्वली सब जगह पर स्पेसिंग एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे ये स्पेसिंग मैंने कम कर लिया तो ये ऐसे दिखाई देगा, जितना आपको स्पेसिंग रखना है उस हिसाब से आप रखिए। उसी हिसाब से यहाँ पे सेटिंग और है, जैसे कि रैंडम रखूँगा यहाँ पे तो देखिए कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे कम से कम रखा है कहीं कहीं पे, और कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया यहाँ पे कहीं पे कम करने के लिए। तो ये ऐसे आप एडजस्ट करोगे तो सब हैंडल होगा। तो ये जिस तरह से वर्क करता है ये उसके ऑपोजिट वर्क करता है। तो देख लीजिए अभी उसी हिसाब से ये पेन प्रेशर मैंने आपको बता दिया, तो ये पेन प्रेशर भी वैसे ही वर्क करता है जिस हिसाब से आपका पेन का प्रेशर हो। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके, और ये सारे एक ही जैसे ले लिया क्योंकि यहाँ पे कोई पेन का प्रेशर है नहीं। मेरे ख्याल से शायद से थोड़ा प्रेशर है यहाँ पे, तो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ये आप उस हिसाब से वर्क कर सकते हो। तो मैं फिक्स रखता हूँ, ऐसे मैं रैंडम रखता हूँ ऐसे, तो ये रैंडम स्पेसिंग ले लेगा, थोड़ा सा स्पेसिंग और एडजस्ट कर लेते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे ये स्कैटर है, स्कैटर का मतलब बिखर जाना। तो यहाँ पे ये स्कैटर जो है अब यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे मैं इसे देखिए अभी यहाँ से इसे ऊपर करता हूँ। तो देखिए ब्रश जो मैंने लाइन पाथ किया था उसके हिसाब से ये स्कैटर हो गया है, और उसी हिसाब से मैं कम करूँ तो देखिए ये उसी पाथ के हिसाब से स्कैटर हो रहा है। इसे डिफॉल्ट रखता हूँ मैं। अब यहाँ पे रैंडम करते हैं, तो रैंडम के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा ये करूँ तो देखिए ये ऐसे स्कैटर होगा। तो देखिए रैंडम के हिसाब से ये कहीं पे भी स्कैटर हो रहा है, ऐसे कोई पाथ के हिसाब से नहीं हो रहा है, कहीं पे भी स्कैटर हो रहा है। तो इस हिसाब से आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। पेन का प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया कि पेन का प्रेशर आप जितना होगा उस हिसाब से आप हैंडल कर सकते हो। ये स्टाइल व्हील आप सब जाके चेक कर सकते हो ये किस हिसाब से वर्क करता है, टिल्ट, बैरिंग, रोटेशन। तो ये मैं फिक्स ही रखता हूँ, मैं शायद से रैंडम रखता हूँ। अब यहाँ पे ये जो रोटेशन है तो रोटेशन में आप देख लीजिए ये यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है। फिलहाल मैं फिक्स रखा हूँ तो इसीलिए अभी ये सारे फ्लावर्स एक ही जैसे रोटेट हो गए। देखिए इस तरफ से रोटेट हो रहा है, इस तरफ करना तो उस तरफ रोटेट हो रहा है। तो ये डिग्री के हिसाब से रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसे रैंडम प्रेस करूँ तो जैसे यहाँ पे रैंडम प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ये अभी मैंने यहाँ पे 113 के हिसाब से 120 के हिसाब से रोटेट किया है। तो देखिए कुछ फ्लावर्स 120 के हिसाब से रोटेट हो चुके हैं, और अभी यहाँ से मैं हैंडल कर रहा हूँ तो देखिए बाकी के जो फ्लावर जो रोटेट नहीं हुए थे वो यहाँ से रोटेट हो जाएंगे। देखिए देखिए 40 के हिसाब से रोटेट हो गया। तो अब इस तरह से फ्लावर को रोटेशन चेंज कर सकते हो। अब ये जो रोटेशन था वो ये रोटेशन रिलेटिव पेज के हिसाब से हो रहा था। तो जो रोटेशन जो अब तक हो रहा था वो पेज के हिसाब से हो रहा था। अगर आप पाथ के हिसाब से क्रिएट करते हो तो देखिए ये पाथ के हिसाब से हो गया, और अभी इसे पेज के हिसाब से करते हो तो पेज के हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके हर एक ड्राइंग के हिसाब से ये सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। देखिए ये कलराइजेशन है, ये कलराइजेशन में आपको अगर ये सेम जो कलर रखना है तो आप यहाँ पे ये सेम ही रखिए, ये कलराइजेशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कलर फील देना है तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे ये जो बल्ब साइन है तो यहाँ पे जाके ये टिप्स में चेक कर सकते हो कि ये किस तरह से सेटिंग वर्क करता है। तो ये नन है, नन करेंगे तो डिफॉल्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। टिंट्स करते हो तो यहाँ पे ये थोड़ा लाइटर शेड से डार्कर शेड में ले लेगा। यहाँ पे टिंट्स एंड शेड करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर शेड से ही डार्कर शेड में लेगा, मिड कलर साइज कलर शेड में ले लेगा। तो ये यूज से यहाँ पे 3 कलर वेरिएशन में दिखा रहा है, तो यहाँ पे ओके करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टिंट सिलेक्ट करते हैं, टिंट सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर लूँ, आपको कोई कलर सिलेक्ट करना है
तो यहाँ पे जाके जाके मैंने यहाँ पे ऑरेंज ही सिलेक्ट कर लिया, तो इससे वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके अप्लाई स्ट्रोक, तो देखिए ये ऐसे कुछ कलर ले लिया। अब यहाँ पे मैं कलर में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसे कुछ चेंज करूँ तो देखिए ये ऐसे कुछ ले लेगा। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट, तो इस हिसाब से आप कोई भी कलर चेंज करके चेक कर सकते हो, आपको जो रखना है टिंट में वो टिंट रख सकते हो। तो मैं फिर से ब्रश टूल पे जाता हूँ, ब्रश पैनल में, तो ये डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टिंट है, ये टिंट शेड करते हैं तो थोड़ा ब्राइटर कलर देंगे। तो अभी यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं येलो, ओके करते हैं अप्लाई स्ट्रोक, तो देखिए ये ब्राइटर कलर हो गया उसी कलर में। यहाँ पे कलर शेड में जाएंगे, यहाँ पे फिर से कलर चेंज करके चेक करेंगे, जो आपको कलर अच्छा लगे आप वो कलर यूज़ कर सकते हो, पर ये इस तरीके का कलर देगा, आपने जो कलर दिया वो कलर नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ पे येलो और ऑरेंज दिया था, तो यहाँ से डार्क टू लाइटर शेड में ले रहा है। ओके उस हिसाब से अभी मैं फिर से चलता हूँ, डबल क्लिक, ओके, और यहाँ पे यूज दे देता हूँ। यूज पे देखिए आप ओके कर दें, और यहाँ पे ओके कर दें, तो देखिए यहाँ पे अजीब सा कुछ कलर दिया है, फ्लावर्स फुल ब्राइट दिख रहा है ये फ्लावर्स। तो देखिए ऐसे कुछ सेटिंग है, तो आपको जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से आप सेटिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये स्कैटर ब्रश ऐसे वर्क करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ, ये आर्ट ब्रश है, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट ही रखे हैं, तो इसे डिलीट कर लेते हैं फर्स्ट। तो हम अभी एक आर्ट ब्रश के लिए एक आर्ट ब्रश क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि इसी फ्लावर को हम लेके कंटिन्यू करते हैं। तो इसे ओके किया मैंने, और थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ मैं इसे। अब यहाँ पे जाके मैं ब्रश टूल से एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, तो ऐसे कुछ क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इसे मैं फ्लिप कर लेता हूँ, मुझे ऐसे कुछ चाहिए, ऐसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। तभी यहाँ पे इसका आउटलाइन चेंज करते हैं कलर, इसे मैं ग्रीन कर लेता हूँ कुछ इस तरह। अब ये फ्लावर का ब्रश क्रिएट हो गया है। अभी हम इसे ब्रश पैनल में जाते हैं और इसे ओके करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ड्रैग करके मैंने ऐड कर लिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, तो अब ये यहाँ पे आर्ट ब्रश सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मैं इसे आपको बताता हूँ कैसे कैसे हैंडल करना है। तो इसे ओके कर लेते हैं फर्स्ट, और कुछ क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं इस ब्रश को डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रश एडेड है। अब यहाँ पे ये ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं, अब हम ऐसे ही कुछ एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने क्रिएट कर ली जस्ट ऐसे दिखाने के लिए। अब यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है जो मैंने ब्रश क्रिएट किया हुआ है आर्ट ब्रश, तो उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ रैंडमली ऐसे फ्लावर क्रिएट कर लेते हैं। देखिए तो ये ऐसे आप फ्लावर क्रिएट कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे ये मैंने जो फ्लावर क्रिएट कर लिया, तो देखिए ये बड़ा फ्लावर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया है, और ये सारे फ्लावर्स ओके ओके नजर आ रहे हैं, पर इसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम्स है। लेकिन अभी हम इसे सेटिंग में जाके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब यहाँ पे ओके करते हैं, डबल क्लिक, और यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें ट्राई करना होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे इसे कोई भी नाम देके सेव कर सकते हैं जो हमने सेव ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे जो सेटिंग है विड्थ, यहाँ पे फिक्स सेटिंग रखा हुआ है जो फिक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये इसे मैं चेंज करता हूँ। तो देखिए ये फ्लावर थोड़े से चेंज हो रहे हैं, कुछ कुछ ओके नज़र आ रहा है, कुछ कुछ नहीं, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं उसमें। उसके बाद अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ये सारी सेटिंग जाके चेक करते हैं, तो इसमें भी सेटिंग्स है जिससे हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि अपना थिकनेस कितना होगा और कितना नहीं। तो मैं इसे ज़्यादा बड़ा करूँगा तो ये ऐसे बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है आगे से, क्योंकि ये पेन का थोड़ा प्रेशर होगा कि कितना प्रेशर रखना है। मैंने ये जो प्रेशर रखा हुआ है इसलिए, तो पेन टैप का जो प्रेशर होगा पेन के आपके,
उस हिसाब से ये वर्क करेगा। तो मैंने अभी जो जिस हिसाब से ड्रॉ किया उस हिसाब से ये पैशन में वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसे छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, इसे भी ओके चेक कर लिया हमने। तो हम इसे अभी यहाँ पे इन सारे सेटिंग्स को आप जाके चेक कीजिए कि किस तरह से वर्क करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब मैं इसे फिक्स ही रख देता हूँ ताकि आगे की और सेटिंग में आपको समझा सकूँ। देखिए यहाँ सा ये स्केल प्रोपोर्शनली है। अगर मैं इसे स्केल करूँ तो ये प्रोपोर्शनली स्केल होगा। जिस हिसाब से मैं ये ड्रॉ किया है सब एक ही जैसे नहीं स्केल हो गए। देखिए जैसे मैंने किया, ये थोड़ा लेंदी है तो ये बड़ा हो गया है। एकदम छोटा सा किया हुआ है तो ये छोटा सा दिख रहा है। ये भी थोड़ा छोटा किया हुआ है तो छोटा सा दिख रहा है। तो उस हिसाब से ये दिख रहा है, ये भी वैसे ही वर्क कर रहा है। जितना बड़ा है उस हिसाब से स्केल प्रोपोर्शनली हो गया। अब उस हिसाब से अगर मैं स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक करूँ जो ऑलरेडी था तो वो एज इट इज ऐसा ही होगा। हम प्रीव्यू ऑन करके ऑफ करते हैं, जो ऑलरेडी दिख रहा है वैसे ही। अब इसे स्ट्रेच बिटवीन गाइड करेंगे। ये स्ट्रेच बिटवीन गाइड है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये स्ट्रेच बिटवीन गाइड, जो ये गाइड है आपके यहाँ से यहाँ तक का ब्रश का गाइड है। तो ये गाइड में आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका कितना ब्रश स्ट्रेच होना चाहिए और कितना ब्रश नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे एंड पॉइंट यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं और यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसे इस फ्लावर को इस स्ट्रेच प्रोपोर्शन से हटा देता हूँ, स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। तो अभी ये गाइड जितना दिखा रहा है एरिया उतना ही गाइड स्ट्रेच होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसे और स्ट्रेच कर लिया तो ये ऐसे दिखा रहा है। तो देखिए ये जो फ्लावर है वो एज इट इज जितना साइज है उतना ही है, लेकिन ये जो डंकलियाँ हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। ये फ्लावर अभी अच्छा लगने लगा है क्योंकि पहले थोड़ा स्ट्रेच था, अभी थोड़ा सा ही उसका शेप है, पर ये नेचुरली फ्लावर ऐसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे ओके करते हैं और बाकी का ये डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। ये डायरेक्शन है जो ये डायरेक्शन मेजरली हम इस तरफ से डायरेक्शन ही रखते हैं, राइट साइड एरो ही डायरेक्शन रखते हैं, क्योंकि हम कोई भी ब्रश ड्रॉ करते हैं तो वो मेजरली राइट साइड डायरेक्शन में ही जाता है और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में बहुत कम यूज़ करते हैं और अप एंड डाउन में भी बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो ये जो मैं आपको हर एक ब्रश डायरेक्शन दिखा देता हूँ, लेफ्ट करूँगा और ओके कर रहा हूँ। तो देखिए ये अभी ये कैसे हो गया, सारे फ्लावर्स लेफ्ट की तरह चले गए। अभी यहाँ पे मैं फिर से राइट करता हूँ, फिर से टॉप करता हूँ। तो टॉप में अभी इस ब्रश का कुछ शेप अजीब सा हो जाएगा। तो देखिए अब मैं ओके करता हूँ, ये देखिए सारे फ्लावर्स अजीब से दिख रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये ब्रश कैसे दिख रहा है। और उसी हिसाब से यहाँ पे डाउन करता हूँ, अप्लाई ओके। तो देखिए यहाँ पे भी ये फिर से ऑफिस अजीब सा दिख रहा है। तो इस तरह से ये सारे बहुत ही अजीब से फ्लावर्स हो गए। यहाँ पे ये जो ब्रश का पैनल है उसमें भी देखिए ये ब्रश उस प्रपोर्शन में ले लिया। तो इसीलिए हम राइट ही प्रपोर्शन डायरेक्शन यूज़ करते हैं, उस डायरेक्शन में ले लेगा, नहीं तो हम राइट ही डायरेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे कलराइजेशन है। कलराइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो एज इट इज सेम सभी में है। तो वही टिंट है, टिंट शेड है और ह्यूज शिफ्ट है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन वही है जो सेटिंग में दिखा दिया है। तो आप सारी सेटिंग चेक कर सकते हो और आपके मन पसंदीदा सेटिंग्स रख सकते हो। इसमें यहाँ पे ये फ्लिप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लिप करते हैं। मैं ओके करता हूँ, अप्लाई स्ट्रोक। तो देखिए ये इस तरफ से जा रहा है क्योंकि अभी हमने ये फ्लिप यहाँ पे रखा हुआ, अभी हमारा डायरेक्शन राइट में है। भले इसने यहाँ पे फ्लिप किया है तो वो ये फ्लावर्स इस तरफ ले लिया क्योंकि वो फ्लिप कर लिया, पर हमारा राइट डायरेक्शन ही है। अब यहाँ पे फ्लिप वर्टिकली करूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फ्लावर्स में थोड़े चेंज नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये फ्लावर ये पॉइंट इधर आ रहा है और ये पॉइंट दो इधर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, ओके। अब ये ओवरलैप है, यहाँ पे अगर आपको सेटिंग रखना है डू नॉट एडजस्ट ओवरलैप एंड फोल्ड, और अगर एडजस्ट करना है, अभी तो फिलहाल एडजस्ट करना है इसलिए रखा हुआ है, तो वो ऑलरेडी ओवरलैप एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं इसे नहीं करूँ
तो क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं है इसलिए इतना कोई फर्क नहीं लग रहा है। अगर हमारा कलर कुछ अलग होगा, मतलब कम से कम शेड में होगा, तो उसमें दिखाई देगा। हम यही रखते हैं और ओके करते हैं। तो इस तरह से ये आर्ट ब्रश वर्क करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। ऐसे मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से और यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये सारे ब्रश नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रिस्टल ब्रश है, तो हम यहाँ पे ब्रिस्टल ब्रश सिलेक्ट करते हैं, इसे ओके करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, याद रखिए। यहाँ पे आप ये नाम है, ये आप कोई भी नाम अपना रख सकते हो और ब्रश क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे ये शेप से ब्रश के, तो आपको कौन सा शेप यूज़ करना है, कौन सा शेप नहीं यूज़ करना है, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आपको कैसा ब्रश चाहिए। तो यहाँ पे राउंड पॉइंट है, राउंड ब्लंट है, राउंड कर्व है, राउंड एंगल है और राउंड फैन है। तो ये सारे राउंड में है और ये सारे फ्लैट्स में है। तो आप देखिए अभी इसे कैसे हैंडल करना है। हम ले लेते हैं एक राउंड वाला जो भी है, मैं कर्व वाला ले लेता हूँ। अब ये सारे सेटिंग्स भी है, ये भी आपको हर एक जाके चेक करना पड़ेगा कि कितना रखना है कितना नहीं। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितना साइज रखना है कितना नहीं। तो यहाँ पे ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा ब्रश ऐड है और सिलेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे कुछ दिख रहा है, ये बहुत छोटा ब्रश है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। स्ट्रोक का लेंथ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ब्रश स्ट्रोक बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितने सारे ब्लेंड हो गए ऑब्जेक्ट जो दिखा दे रहे हैं। ये सारे ब्रश के इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसे आपको यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये पेंटिंग सा इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे कि हम कैनवस पेंटिंग में ऐसे ब्रश स्ट्रोक करते हैं वैसे इफेक्ट दिखता है, ऐसे ही कुछ कुछ दिखता है। तो मैं इसे थोड़ा कलर चेंज करके और दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके दिखा दूँ। तो ऐसे कुछ ये पेंट ब्रश के माफक दिखता है। तो उसी हिसाब से और भी कलर चेंज करके आपको दिखा दूँ, ये अपना फ्लैग जैसा वर्क करता है। तो उसी हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने फ्लैग टाइप कुछ बना लिया, जस्ट मैंने इसे स्ट्रोक आपको दिखा दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं क्रिएट किया। पर आप ये सारे ब्रशेज जाके चेक कर सकते हो। या ध्यान रखिए ज़्यादा स्ट्रोक मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये ब्रश बहुत हैवी होते हैं और ये थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे ओल्डर वर्जन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे ये ब्रशेज क्रिएट करने में, पर अभी यहाँ पे इस जब से CC आया हुआ है तब से बहुत ईजी हो गया ये सारे ब्रशेज। अब ब्रशेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा, पर फिर भी आप ब्रिस्टल ब्रश में थोड़ा कंट्रोल रखिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रश की तरफ। हमारा नेक्स्ट ब्रश है पैटर्न ब्रश। तो ये पैटर्न ब्रश है, तो इसके लिए हमें एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ, कैंसिल करता हूँ, बी प्रेस करते हैं, यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं, यहाँ से कुछ क्रिएट कर लेते हैं फ्लावर्स ऐसे समथिंग। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे छोटा कर लेते हैं। बस छोटा इसलिए किया है मैंने क्योंकि अगर हम ब्रश बड़ा ही क्रिएट करेंगे तो हमें जो एक्चुअल डिफॉल्ट साइज मिलेगा वो बड़ा ही मिलेगा। जैसे मैंने इसका किया था तो बहुत बड़ा मिला पे, तो वैसे ही इसे भी अगर मैंने बड़ा कर लिया तो पैटर्न बहुत बड़े बड़े बनेंगे, इसीलिए मैंने छोटा ही ले लिया फर्स्ट। तो आपको छोटे में थोड़ा इजी अच्छा दिखेगा, इसे
ब्रश टूल, ब्रश पैनल एक्टिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे पैटर्न ब्रश सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे ओके कर लिया तो अभी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ब्रश क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, साइड डिलीट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे बी प्रेस करके यहाँ पे मैं अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रश पैटर्न क्रिएट करता हूँ। तो देखिए ये पैटर्न क्रिएट हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं ये कर्व में जो पैटर्न है अच्छे से आ रहा है बहुत। अगर मैं इसे कोई भी शेप में क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसमें भी आप ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे राउंड क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये पैटर्न क्रिएट हो गया, पैटर्न ऐसे बहुत अच्छे तरह आ रहा है। अगर आप इसे बड़ा करते हो तो ये पैटर्न में और ज़्यादा फ्लावर इंक्रीज करेगा, और छोटा करेगा तो डिक्रीज करेगा। उस हिसाब से ये अपने साइज़ के हिसाब से कंट्रोल करेगा। इसे डिलीट कर लेता हूँ मैं, उसी हिसाब से मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया मैंने, यहाँ पे ओके करते हैं, ब्रश सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने ये ब्रश सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे थोड़े कॉर्नर्स में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये प्रॉब्लम ऐसा डबल फ्लावर्स आ रहे हैं एक ही पॉम हर कॉर्नर पे। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ फर्स्ट। अब यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, हम इसे डबल क्लिक कर लेते हैं और मैंने ओपन कर लिया ये ऑप्शन पैनल। अब यहाँ पे सब सेटिंग करके हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ पे फिक्स है ऑलरेडी, इस सेटिंग से आप ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो डिफॉल्ट है मेरा वो ये साइज है, ये डिफॉल्ट साइज है मेरा। उस हिसाब से मैं अगर यहाँ पे कोई अलग सा ले लूँ प्रेशर, तो ये ऐसे प्रेशर है, प्रेशर के सेटिंग के हिसाब से फ्लावर्स प्रेशर बड़े छोटे नज़र आएंगे। अब यहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हो कि बड़ा रखना है छोटा रखना है, वो पेन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर है, ये छोटे के हिसाब से या बड़े के हिसाब से वो सेटिंग कर रहे हैं, वो आप सेटिंग करके देख सकते हो। उस हिसाब से स्पेसिंग है, जो स्पेसिंग अगर एडजस्ट करके देखता हूँ मैं परसेंटेज वाइज के हिसाब से, अभी यहाँ पे मैं 20% रखते हैं तो स्पेसिंग का कोई इशू नहीं है। ओके, अब यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे पहले नहीं था। तो अभी यहाँ पे ये फ्लिप अलोंग है, ये सारे भी सेटिंग्स हैं, पर ये मैं आपको एक एक बता देता हूँ। ये जो सेटिंग है ये कॉर्नर को डिफाइन कर रहा है, और ये जो सेटिंग है यहाँ पे मिडल साइन को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप यहाँ सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये फ्लावर से ऐड है, यहाँ पे ये कॉर्नर में ये डबल फ्लावर ऐड है। तो अभी यहाँ पे हमें ये सारे सेटिंग मैं आपको बता दूँ पहले। फर्स्ट यहाँ पे फ्लिप करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि फ्लावर कैसे दिखता है। फ्लिप अलोंग करके दिखा दिया मैंने, फ्लिप अक्रॉस करके दिखा दिया मैंने, स्ट्रेच टू फिट रखा हुआ है मैंने फिलहाल ऑलरेडी जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो ये इसमें थोड़ा फ्लावर्स कॉर्नर से निकल गए, अगर फ्लिप अक्रॉस किया मैंने तो फ्लिप ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो वो अपना कॉर्नर सिलेक्ट हो गया, पर यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे कॉर्नर में कुछ नहीं है, तो मुझे वो कॉर्नर में फ्लावर दिखाना था। तो हम वहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ऐड स्पेसिंग है, ऐड स्पेस टू फिट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट पाथ कर सकते हो तो पाथ के अंदर ही रहेगा। ये कलराइजेशन तो आपको मैंने फर्स्ट बता ही दिया, वो सारे सेटिंग सब में ही है, सारे ब्रशेस में है। अब चलते हैं यहाँ पे ये कैसे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे जो ये फ्लावर है, हम यहाँ पे कॉर्नर में फ्लावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ऑटो सिलेक्टेड है, ऑटो स्लाइस है यहाँ पे, तो जो भी कॉर्नर में आता है उसे वो ऑटो स्लाइस करके यहाँ पे रख देता है। तो यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स है, तो यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर ओवरलैप है, फ्लावर स्लाइस है, फ्लावर बिटवीन है, फ्लावर सेंटर है,
तो ये सारे सेटिंग में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है ही दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें एक फ्लावर क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्लावर है, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट, इसे ग्रुप कर लेता हूँ। अब इसे हम स्वॉचेस में जाते हैं और इसे हम स्वॉचेस में ऐड करते हैं। तो अब देखिए ये स्वॉचेस में मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये उस ऑप्शन में दिखाई दे। तो अब यहाँ पे मैं ब्रश पैनल में जाते हैं, अन सिलेक्ट करते हैं उसे, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन नज़र आया तो अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए वो फ्लावर यहाँ पे आ गया। ओके करते हैं, यहाँ पे इसे ओके करते हैं। व्यू में तो नज़र नहीं आ रहा है पर यहाँ पे बड़ा नज़र आ रहा है, देखिए हर कॉर्नर के पॉइंट्स में है। अभी यहाँ पे ये पॉइंट्स में नहीं है, एंड पॉइंट्स में भी नहीं है, तो एंड पॉइंट आपका ऐसे ही रह जाएगा। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है पर फ्लावर से एंड होगा तो आपको कैसे ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो आप। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड कर लिया इस कॉर्नर पे, फ्लावर ऐड कर लिया, देखिए ये इस कॉर्नर पे भी ऐड हो गया। तो ये इसे ओके कर लेते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो देखिए ये सारे फ्लावर्स कैसे कंटिन्यू में नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं था, अभी यहाँ पे कंटिन्यू फ्लावर ही नज़र आ रहा है, तो फ्लावर्स लीव ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और भी इस ब्रश में थोड़ी सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मैं और एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, तो देखिए ऐसे कुछ पैटर्न है। अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके फिर से ब्रश पैनल में ऐड कर लेता हूँ पैटर्न ब्रश, तो ओके करते हैं। तो ये ऐसे कुछ पैटर्न ब्रश बन गया, तो इसे ओके कर दें। अगर हमें इस पैटर्न ब्रश में इसे मुझे एडिट करना है, मुझे अभी ये स्ट्रोक का थोड़ा वेट बढ़ाना है ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखाई दे, तो मैंने इसे स्ट्रोक का वेट बढ़ा लिया और यहाँ पे कलर मैंने ब्लैक दे दिया, कलर मैंने आउटलाइन इसका ब्लैक दे दिया। तो देखिए अभी मैं इसे उसी ब्रश पर रिप्लेस करता हूँ, अगर ये ब्रश को मुझे नहीं करना है तो अल्ट प्रेस करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे ऐड कर लिया, तो ब्रश ओके चेंज हो गया, तो आपके ब्रश सेटिंग चेंज हो गए। वैसे ही आप यहाँ पे इसे साइड में रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बी प्रेस करके ब्रश से एक पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ, तो देखिए ऐसे कुछ पैटर्न क्रिएट हो गया, ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर देखिए ये जो एंड पॉइंट है आपका, तो ये एंड पॉइंट जो है वो ओपन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे कैसे क्लोज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो जैसे यहां पे इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए। तो ये सारे मैं चीजें पहले मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में जाऊंगा और ये सारे चीज़ें डिलीट कर लूँगा। तो ये तो वैसे क्रिएट हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये चेंज कर लिया। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ये क्लिक करके स्वॉचेस में ऐड कर लेता हूँ, देखिए ये मैंने अभी स्वॉचेस में ऐड कर लिया। अब मैं पेंट ब्रश से सेटिंग में जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग में गया, तो देखिए ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे जाते हैं और वो स्वॉच सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए अभी ये स्वॉच सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसे ऐसे ही रखा। उसी हिसाब से ये एंड पॉइंट पे तो ऐसे बन गया, पर स्टार्ट पॉइंट में मुझे देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। इसे क्लिक किया मैंने स्टार्ट पॉइंट पे, ये फ्लिप में है और यहाँ पे हम इसे फ्लिप कर लेते हैं, तो ये फ्लिप ऐसा हो जाएगा। बट देखिए मैं अभी यहाँ पे कुछ
सेटिंग करता हूँ, ओके अप्लाई, ओके यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं अल्ट प्रेस करके, और फिर यहाँ पे जब मैं इसे सॉरी वर्टिकली फ्लिप कर लिया मैंने, हॉरिजॉन्टली करना है मुझे, हॉरिजॉन्टल करके मैं इसे स्वॉचेस में ऐड कर लेता हूँ। देखिए ये स्वॉचेस में ऐड हो गया, अब देखते हैं हम यहाँ पे ये एंड पॉइंट कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो भी यहाँ पे ये स्वॉचेस ऐड कर लिए, तो ये नेक्स्ट है, ये इसे भी ओके कर लिया। तो देखिए अभी यहाँ पे ये दोनों एंड पॉइंट अच्छे से नजर आ रहे हैं, तो आप ऐसे कुछ पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग्स होते हैं ये सारे ब्रश बनाने के। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ब्रशेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस ब्रशेस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं हर एक डाउट्स आपके क्लियर करूँगा, और आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे आपको और कुछ अच्छा ज़्यादा सिखाने मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें मैं डिलीट कर लेता हूँ फर्स्ट। तो अब जाते हैं हम ब्लॉक ब्रश पे। ब्लॉक ब्रश का हॉटकी है शिफ्ट बी प्रेस करते ही ब्लॉक ब्रश एक्टिव हो जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है ये मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे मैं अभी कोई कुछ भी क्रिएट कर लूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिएट कर लिया, तो पहले मैं पेंट ब्रश में हम जब क्रिएट कर रहे थे तो वो पाथ पे क्रिएट कर रहे थे। जैसे कंट्रोल वाई सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डबल लाइन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे पाथ नहीं क्रिएट हो रहा था, क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो रहा है। तो ब्लॉक ब्रश और पेंट ब्रश में यही फ़र्क है कि जब ये पेंट ब्रश क्रिएट होता है, पेंट ब्रश से हम आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ब्लॉक ब्रश से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। देखिए ऐसे कुछ। तो अभी मैंने ये जो भी क्रिएट कर लिया तो ये ऑब्जेक्ट में क्रिएटेड है। देखिए आपको मैं ये पेंट ब्रश का पाथ है और ये ब्लॉक ब्रश का पाथ है। तो वाई सिलेक्ट करके मैं आपको बता दूं, कंट्रोल वाई, तो ये वायर फ्रेम में आप देख रहे हो कि ये डबल लाइन हो गया और ये सिंगल लाइन है। तो ये ऐसे वर्क करता है। इसमें आप कितना भी कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे आपको कंटिन्यू करना है, जितना आपको ऐड करना है, यहाँ पे कलर फील करना है तो कलर फील कर सकते हो। तो वैसे आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर में नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, उस हिसाब से यहाँ पे मैंने इसका कलर को चेंज करके वापस इसी में कंटिन्यू किया, पर वो कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि कलर मैंने चेंज किया तो वो ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया। देखिए इसमें कंटिन्यू हो रहा था पर इसमें नहीं हुआ क्योंकि मैंने कलर चेंज कर लिया, वैसे ही वो ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया। तो ये ब्लॉक ब्रश ऐसे वर्क करता है। ब्लॉक ब्रश से भी कोई कैलीग्राफी चीज क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया समथिंग एंडी, तो ये ऐसे कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये मैं वायर फ्रेम में आपको फिर से दिखा दूं, तो ये देखिए सब डबल लाइन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आउटलाइन नहीं है। अगर आपको इसको आउटलाइन देना है तो आप इसे आउटलाइन दे सकते हो। और ब्लॉक ब्रश में भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये ब्लॉक ब्रश क्रिएट करने को पूछ रहा है कि ब्लॉक ब्रश टूल ऑप्शन कीप सिलेक्टेड, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो सिलेक्टेड ही रहेगा ड्रॉ करने के बाद। मर्ज ओनली विद सिलेक्शन, अगर हम सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो मर्ज ओनली विद सिलेक्शन रहेगा। फ्लूडिटी तो मैंने आपको बता दिया जो पेंट ब्रश में भी है। एक्यूरेट और स्मूथनेस, जैसे अगर स्मूथ रखते हो तो वो स्मूथली वर्क करेगा, और एक्यूरेट रखेंगे तो आपका हाथ जैसे वर्क करेगा हैंड उस हिसाब से वर्क करेगा, और स्मूथनेस वो ऑटोमेटिकली स्मूथनेस ले लेगा अगर आपने थोड़ा टेढ़ा शेप भी बना लिया तो। और ये तो यहाँ पे ब्रश क्रिएट करने को ही पूछ रहा है कि आपका ब्रश कैसे कंट्रोल करना है,
देखिए यहाँ पे ओके करते हैं हम। ब्लॉब ब्रश खुद ही एक ऑटोमेटिकली एक ब्रश है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कैलीग्राफी में जैसे होता है 10 पॉइंट रखा हुआ है साइज इसका, उसी हिसाब से एंगल है जो हम रखते हैं समथिंग 45। ओके, और राउंडनेस जो है वो थोड़ा कम करते हैं, तो ये भी खुद हिसाब से एक ब्रश हो गया है। तो मैं कीप सिलेक्टेड रखता हूँ, ओके करते हैं। तो देखिए कंट्रोल ऑल और इसे डिलीट कर लेता हूँ, मैं आपको कुछ नया क्रिएट करके बताता हूँ। देखिए अब ये सिलेक्टेड है, इसलिए ये ऐसे नज़र आ रहा है, इसके सारे वर्टिसेस दिख रहे हैं एज जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन में दिखता है, वैसे ही कंट्रोल प्रेस करते हो तो ये ऐसे दिखेगा। और उस हिसाब से अब इसे कंटिन्यू करते हो तो ये कंटिन्यू भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक ही ऑब्जेक्ट है, अभी कंटिन्यू ही है। ये सारे ऐसे सेटिंग से वर्क करता है, तो आप सब सेटिंग्स ट्राई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्रशेस के मैं बहुत सारे चीज़ें ब्रशेस सिखाने वाला हूँ, किस तरह से ब्रशेस बनता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।